वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन आपको दिख रही है, आप देख सकते हो मैंने दो व्हाट्सएप चलाए हुए हैं। ओके, मैं अगर होम पेज पे भी लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख लो, एक व्हाट्सएप तो ये रहा, ओके, एंड दूसरा व्हाट्सएप मैंने अभी इसमें कोई नंबर नहीं डाला है, बट आप चाहते हो कोई नंबर आपका एक्टिवेट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा, एंड्रॉइड में तो सबसे ज़्यादा ईजी है, आईफोन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड में आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो की, वीडियो के एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए, करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि आप अपने मोबाइल में दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हो एक एंड्रॉइड मोबाइल में। दो प्रोसेस है सिंपल से, वैसे सैमसंग में थोड़ा सा अलग है, बाकी जैसे रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया और बाकी के जो एंड्रॉइड फ़ोन है उनमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं यहाँ से इसे हटा के आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ रिमूव, ओके, एंड मेरा एक व्हाट्सएप ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, आपको दिखा दूँ, ओके, लेट मी अनइंस्टॉल इट, जो ये है, ओके, एक व्हाट्सएप यहाँ पे चल रहा है। एंड अब मैं आपको दूसरा व्हाट्सएप चला के दिखा देता हूँ। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग्स में। यस, यहाँ से हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, मेरे साथ साथ ये स्टेप्स फॉलो कर लेना। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है प्रोसेस। एंड उसके लिए जैसे आप अपने सेटिंग्स में आते हो मोबाइल फ़ोन की, मेरे साथ साथ फॉलो कर लो, थोड़ा सा ड्रैग डाउन करो, यहाँ पे आपको आना है ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स में आना होगा, एंड वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप क्लोनर का। यस, किसी चीज का क्लोन करना, दैट मीन्स किसी का एज इट इज दूसरा, आई मीन किसी ऐप का हम क्लोन करते तो, यानी कि ऐप एज इट इज दूसरी, किसी फोन का क्लोन करते तो वही फोन सारी चीजें एज इट इज दूसरे फोन में आ जाती है, यानी कि क्लोन, ओके। तो यहाँ पे ऐप क्लोन का ऑप्शन है, आपको इस पर टैप करना है। जिस भी एप्लीकेशन का आप डबल करना चाहते हो, जिस भी एप्लीकेशन को आप दो करना चाहते हो एक ही मोबाइल में, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन व्हाट्सएप, ओके, यहाँ पे मतलब जो भी ऐप चाहते हो, तो सारी ऐप्स यहाँ पे दिख रही है जो क्लोन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें व्हाट्सएप को करना है, तो व्हाट्सएप पे टैप करेंगे, यहाँ से क्रिएट ऐप क्लोन, ओके, तो यहाँ से हम इसे कर देंगे, ओके, ऐप क्लोन हो गया, व्हाट्सएप का क्लोन बन गया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे दूसरा व्हाट्सएप भी आ गया है, जैसा कि मैंने कर रखा था ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक मोबाइल फोन में दो व्हाट्सएप यूज कर रहा था, एक पर्सनल यूजेज के लिए और दूसरा बिजनेस के लिए, ओके। तो यहाँ से हम ओके करके अपना कोई भी नंबर वंबर डाल सकते हैं ना, आपका जो व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा वो व्हाट्सएप एक्टिवेट हो जाएगा। एक तो है ये तरीका। अब जिन मोबाइल्स में, मोस्टली सैमसंग्स में ये शायद क्लोन का ऑप्शन नहीं होता है, बट अब आना स्टार्ट हो गया है, तो आपको क्या करना है, जिस भी मोबाइल में नहीं है आपको जानना है अपने प्ले स्टोर पे। यहाँ से हम लोग प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, ओके, ये रहा प्ले स्टोर, एंड यहाँ पे आपको डालना है ऐप क्लोनर, ओके, तो ऐप क्लोनर आप सर्च करोगे या क्लोन ऐप या ऐप क्लोनर, ऐप क्लोनर, एंड यहाँ से हम एक एप्लीकेशन का दो, यानी कि बहुत से, जैसे पैलर स्पेस आपने सुना होगा, बहुत से फोन में तो इनबिल्ट आने लगी एप्लीकेशन, पैलर स्पेस में भी एक मोबाइल में दो स्पेस बन जाते हैं, वहाँ पे भी ऐप क्लोन ही होती है, ओके। एंड यहाँ से जैसे क्लोन ऐप है पैलर स्पेस का, मैंने ऑलरेडी यहाँ से इसे डाउनलोड किया हुआ था, आप इसे यूज कर सकते हो या आप और भी ऑप्शंस है, पैलर स्पेस आप यूज कर सकते हो, बस एक ऐड आती है, ओके, जिनमें ऑलरेडी सेटिंग्स है वहां तो कोई एडवर्ड नहीं आएगी, लेकिन अगर हम कोई एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं थर्ड पार्टी, जैसे ये ऐप क्लोन एप्लीकेशन है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड दिख रहा होगा, काफी अच्छी एप्लीकेशन है, काफी अच्छी रेटिंग है 4.1 की। एंड अगर मैं आपको बताऊं, इसके 4.1 की रेटिंग के साथ 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, ट्रस्ट वर्ड दिया, क्योंकि आप इसे ऑलरेडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ से हम इसे कर लेते हैं ओपन, मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कर रहा था। छोटी सी ऐड आएगी, इसको आप क्लोज कर देना, एंड यहाँ से आप इसे रेट वेट करके ओके बैक करो। एंड यहाँ पे आपको ऐप्स दिखेंगी, ऐड ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐड ऐप पे जाना है, ऐड ऐप में आप जिस भी एप्लीकेशन का क्लोन करना चाहते हो उसका यहाँ पे आप सिंपल उसका क्लोन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, फेसबुक और जो भी एप्लीकेशन है, मोस्टली यहाँ पे ऐड ऐप आपको करना है, उस तरह आप उसका भी क्लोन कर सकते हो। इफ नॉट दैट ऐप, अगर ये वाली आप काम नहीं करती तो दूसरी कोई भी क्लोन ऐप डाउनलोड कर लेना, सिर्फ आपको लिखना है क्लोन एप्लीकेशन, ओके, अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, ओके, एंड यहाँ से आप इस तरह कर सकते हो, दो व्हाट्सएप एक साथ चला सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने काफी चीज आपको समझाने की कोशिश की है, और उसी के साथ साथ आई होप आपको वर्थ वॉचिंग लगी होगी वीडियो, देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।